दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी बताएंगे, जिसका नाम है दही वाले आलू, जो खाने में बहुत चटपटे और स्वादिष्ट लगते हैं और बनाने में भी इसको बहुत कम समय लगता है। तो दोस्तों, बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताएंगे इसमें क्या क्या आपको यूज़ करना है और कैसे आपको इसको बनाना है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है, देखिए यहाँ पर हमने लिया आधा स्पून हमने जीरा ले लिया है, और एक स्पून हमने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, और यहाँ पर एक स्पून हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर। आपको जितना तीखा खाना है आप उतना कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने लिया है धनिया पाउडर, और ये हमारा है करी लीफ, और ये हमारा है हरी मिर्च जो हमने इसको बारीक कट कर लिया है, और ये हमारा है अदरक जो हमने इसको बारीक कद्दूकस कर लिया है, और इसे भी हमने 1 स्पून के बराबर लिया है, और 1 पिंच हमने लिया है दोस्तों यहाँ पर हींग। तो अब ये हमारा, और ये देखिए हमने यहाँ पर गार्निश के लिए लिया है धनिया, हरी धनिया आपको लेनी है, और एक आपको ओनियन लेना है जो कि आपको बारीक कट कर लेना है, और यहाँ पर लहसुन देखिए हमने इसको भी 4-5 कलियाँ ली थी और इसको बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर आपको लेना है 2 टेबल स्पून वो लेना है बेसन दोस्तों, और जैसा कि हमने बताया था कि हमारे दही वाले आलू हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर फ्रेश फ्रेश बिल्कुल ताज़ी ताज़ी हमने यहाँ पर दही ले लिया है, और हमने ये लिया है 2 कप हमने लिया है फुल, और ये हमने लिया, हमने यहाँ पर लिया था 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिसको मैंने बॉयल कर लिया है और छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को पूरी जानकारी लेने के लिए कहीं भी इसको स्किप ना करें, इसको दोस्तों पूरा आप देखें, तभी आपको कैसे आपका ये दही वाले आलू स्वादिष्ट बनेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे, देखिए हमने यहाँ पर दोस्तों पानी नहीं लिया था, हमने यहाँ पर लिया है दही का पानी, जो दही का वाटर था हमने वो लिया है, आप चाहें पानी भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया है, और इसमें हमने जो हमारे जो हमने 2 टेबल स्पून बेसन लिया था उसको धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करेंगे। देखिए हमने सारा इसमें मिक्स कर दिया है, और दोस्तों इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारी कहीं भी गुठलियाँ ना रह जाएं, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा एक सार हमारा या जाए। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर कुछ गुठलियाँ हैं, तो हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी लम्स थी, गाँठें थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, देखिए कहीं भी नहीं है। अगर आप दोस्तों इसमें टाइम अपना नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इसे छन्नी की सहायता से छान सकते हैं, जो आपकी गुठलियाँ होंगी वो निकल जाएंगे और आपको कम समय भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, अब हम इसमें इसे दही में डाल देंगे और इसे दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपना ऑयल डाल दिया है, जो हमारा देखेंगे अगर सही से हमारा गर्म हो गया है अच्छे से, तो यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा, देखिए हमारा जीरा चटकने लगा है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर डाल देंगे अपनी हींग जो हमने चुटकी भर ली थी। अब जब थोड़ा सा हमारा जीरा चटक जाएगा और सुनहरा हो जाएगा, अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपना प्याज, देखिए हम इसको सुनहरा होने तक, गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा ओनियन बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, अब हम यहाँ पर करी लीफ डाल देंगे और हमारा जो अदरक हमने चॉप किया था वो डाल देंगे, हरी मिर्च, और लास्ट में हमारा जो हमने लहसुन लिया था उसे हम डाल देंगे। अब हमें इसे 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है।
ताकि जो इसका हमारा कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है ताकि हमारा ये जले नहीं अच्छे से। अब हमारा धनिया पाउडर हमें इसमें मिक्स कर देंगे और हमारा हल्दी पाउडर और जो हमारा लाल मिर्च पाउडर, सब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे चलाएंगे। जब तक हमारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता है तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 2 स्पून वाटर डाल देंगे। देखिए हमने यहाँ पर 2 स्पून वाटर डाल दिया है और इसे भूनेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, जब तक हमारा किनारे ऑयल नहीं आ जाता है तब तक हम इसे पकाएंगे ताकि हमारा अच्छे से मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाए और अच्छे से भून जाए। अब देखिए हमारा जो मसाला है वो ऑयल जो है हमारा किनारे छोड़ने लगा है। अब हम इसमें जो हमारा पोटैटो हम इसमें डाल देंगे। पोटैटो और जो हमारे मसाले हैं इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है बिल्कुल आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और आलू को भी हमें मसाले के साथ में 5 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा धनिया हम हरी धनिया इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया हमने गार्निश करने के लिए ऐड कर दिया है। देखिए दोस्तों, आपको इसे अच्छे से बिल्कुल फ्राई करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे आलू बिल्कुल फ्राई हो गए हैं और हमने गैस ऑफ कर दिया है और हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे ताकि दही डालते समय हमारी दही फटे नहीं। अब चलिए दोस्तों, देखिए हमारा लगभग ठंडा हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अब चलिए दोस्तों, इसमें जो हमारा दही और बेसन का घोल था हम इसमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और हमने सारा डाल दिया है और हम इसे बिल्कुल हमारा घोल है हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। धीरे धीरे मध्यम आंच पर हम इसे पकाएंगे 15 मिनट तक। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा धीरे धीरे मध्यम आंच पर हम इसे, जैसा कि हमने आपको बताया था वैसे ही हम इसको हल्का सा पकाएंगे थोड़ा सा और फिर ये हमारा 5 मिनट के बाद में रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तो दोस्तों, जल्दी से आप इस रेसिपी को बनाने के लिए हो जाइए तैयार। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में या जिसमें भी आप इसे निकालना चाहते हैं हम इसे निकाल। तो देखिए दोस्तों, हमारा तैयार हो गया और हमने हरी धनिया से इसको गार्निश भी कर दिया है और आप इसे आप चाहे नान के साथ और चपाती के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ इसे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म आप इस रेसिपी को बनाइए और खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए। और दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो चलिए फटाफट आप बेल आइकन पे सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से दबा दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।